बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एसएसपी को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा। एसएसपी ने ट्रैफिक में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में 2 दिनों से इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव नजर आया था। इस दौरान ट्रैफिक काफी सुचारू रहा, लेकिन इन्वेस्टर्स समिट खत्म होने के बाद अब फिर से वही पुरानी स्थिति दिखने लगी है। लिहाजा एसएसपी अजय सिंह खुद देहरादून की सड़कों पर उतरे। उन्होंने सभी थाने चौकियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार जिस प्रकार की व्यवस्था इन्वेस्टर्स समिति के दौरान थी, उसी प्रकार की व्यवस्था लगातार बनी रहे। उनके क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे, उस पर तुरंत कार्रवाई करें और किसी भी प्रकार से ट्रैफिक में अवरोध पैदा ना हो। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को ऑड इवन की भी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी, जिसका प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। देखिए, इन्वेस्टर समिट में एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि सभी विभागों ने मिलकर, खासकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन ने मिलकर पूरे शहर का जो मेन हमारे रूट थे, अस्थायी जितने अतिक्रमण थे, चाहे वो रेडी ठेडी हो, जो इस तरह की पार्किंग को लेकर, उसको हटाया था। और उसको देखने के बाद एक एक्सपीरियंस ऐसा आया कि जब ये हटने के बाद अस्थायी अतिक्रमण, यातायात में काफ़ी हमें जो है सहायता भी मिली और इससे काफ़ी दबाव जो बन जाता है वो भी, उसमें भी मदद मिली कम करने में। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि इसमें सभी थाना चौकी भी जो अस्थायी अतिक्रमण है उसको पुनः ना लगने दें। साथ ही साथ समन्वय बना के सभी विभागों के साथ, खासकर जिस पर नगर निगम का रोल होता है, चाहे MDD हो, प्रशासन का हो, इनके साथ भी वार्ता करके और ऐसे अस्थायी अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाए, तो उससे कहीं ना कहीं आमजन को जो यातायात में जो दिक्कतें आती हैं उसको कम किया जा सके। अभी थानावार, चौकीवार ऐसे जो अतिक्रमण के स्थान है, अस्थायी अतिक्रमण के स्थान है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर लगते हैं, शाम के वक्त लगते हैं, तो वो सभी की जिम्मेदारी इसमें दी जा रही है और साथ ही साथ फोटोग्राफ भी किए जा रहे हैं। तो क्लीन करने के बाद कैसा है और अगर फिर से लगता है तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें फिक्स की जाएगी। साथ ही साथ अन्य विभागों के साथ भी बैठक करके इसमें जो है कोशिश की जाएगी कि अस्थायी के साथ साथ स्थायी भी कुछ ऐसे जगह पॉइंट्स हैं जिनको हटाया जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।